अच्छा रजिस्टर कर लेते हैं ये जो यहाँ ही लेके जाते हैं हरी मेडिसिन लेके देने के लिए। मैडम जो ये द्वारे सरकार द्वार कार्यक्रम हो रहा है अब तुम यहाँ पर आए कालिंदू से तो ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है थोड़ा? द्वारे सरकार गवर्नमेंट का एक आउटरीच प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कैंप मोड में हर एक जीपी में 4 बार करेंगे, हर एक म्युनिसिपैलिटी वार्ड में भी ये कैंप हो रहा है। यहाँ डेजिग्नेटेड 11 सर्विसेज आप जो देख रहे हैं वो कन्याश्री रूपश्री अरबी हम लोगों का खाद्य साथी एंड वो जो कृषक बंधु ऐसे जो डेजिग्नेटेड सर्विसेज है उसके बाहर भी जो जो पब्लिक का डिमांड है वो सभी यहाँ हम लोग एक साथ मीटअप करते हैं। ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स आर सिटिंग हियर, एआरडी डिपार्टमेंट को आप देख सकते हैं, यहाँ बीएलओ भी अपना काम करते हैं एपिक कार्ड के लिए, ये सभी एक साथ यहाँ कैंप मोड में हम लोग करवा देते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य साथी, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सेकेंडरी एंड टर्शरी मेडिकल केयर के लिए सभी को कवर करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इसमें अभी हम लोगों का नाम ले लेते हैं, इसमें आधार कार्ड एंड रेशन कार्ड का नंबर देने से सभी फैमिली मेंबर का, देयर इज नो लिमिट फॉर फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का अपना पेरेंट्स का भी इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम वी आर कैरिंग आउट इन दिस आउटरीच कैंपेन। इसका अभी यहाँ देख रही हूँ अच्छा सा रेस्पॉन्स है, हम लोग इसको एक्सपेडिट करने के लिए एंड यहाँ भीड़ जो होता है कैंप में उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग घर घर में फॉर्म दे देते हैं, लोग उसको फिलअप करके लेके यहाँ आके दे सकते हैं। देन उसके बाद इसका एंट्री ऑनलाइन में हो जाएगा, देन द बायोमेट्रिक डिटेल्स विल बी कैप्चर्ड एंड द नेक्स्ट राउंड में उसका डिटेल्स भी हम लोग ले लेते हैं, देन द कार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दीज आर द बेनिफिट्स वी आर कैंपेन। ये प्रोग्राम और फिर नेक्स्ट टाइम भी होगा? यस, आरबी 3 राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में जो उन लोगों का एप्लीकेशन लिया उन लोगों को बेनिफिट ही आज की डेट में हम लोग दे नहीं पा रहे, उन लोगों को सेकेंड राउंड में दे देंगे। एंड इफ समबडी लेफ्ट आउट उन लोगों का सेकेंड। नमस्कार सर, हम आपसे बात करें, यहाँ जो हमारे रोले गाँव में एक प्रॉब्लम है जी, जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस कैंप था पहले, लेकिन अभी यहाँ पर ये पहले हमने अप्लाई किया था गांव का आदमी, लेकिन अभी तक कुछ कॉल नहीं हुआ है सर, इसमें आप थोड़ा कुछ बता देंगे? जी देखिए, अभी एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि कैंप्स तो डायरेक्टली जिला से एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसके लिए ऊपर लेवल में जाना है। ऑलरेडी कलिम्पोंग थाना को 4 डिवीजन का प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है, वो होने से मतलब पुलिस और भी आपका नजदीक में आ जाएगी। इसके अलावा मतलब विलेज पुलिस सिविक पुलिस तो है ही, हम लोग सब गांव में बोलते हैं कि जो भी आप लोगों का समस्या है, क्योंकि मतलब पुलिस हर जगह पहुंचाने के लिए टाइम लगेगा, जैसे मतलब थाना एस्टेब्लिश करना या कैंप एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो गवर्नमेंट लेवल में उसका प्रोसेस करना चाहिए, वो तो हो रहा है, होपफुली हो भी जाएगा। जैसे जिला नया बनाया था वैसे थाना को भी स्प्लिट करने का प्रपोजल गया है, वो भी हो जाना चाहिए होपफुली। बट इसके अलावा भी हर एक गांव से वीपी सिविक को दिया गया है, आप लोग भी जानते हुए मतलब अपने अपने गांव का लोग जो विलेज पुलिस सिविक वॉलंटियर वगैरह है उनसे भी बात करने से, वो लोगों के साथ में हर टाइम थाना का बात होता है, तो उनसे कोई भी समस्या होने से उनको बोलने से वो खबर थाना में पहुंच जाएगा एंड उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेके ये विलेज पुलिस और सिविक को बनाया गया है, तो ये मैसेज थोड़ा सा लोगों को पहुंच जाने से होपफुली मतलब पुलिस में ऐसा, हम लोग सब गांव में जाते हैं हर एक आदमी बोलता है, लेकिन इसीलिए हम लोग भी बीच में घूमते हैं जाते हैं लोगों के साथ में जाके बात करते हैं, क्योंकि मतलब उनका कोई समस्या होने से वो पुलिस के पास पहुँचना चाहिए।